भाई यहाँ तो स्पेस ही स्पेस है, ये देखना एक हाथ से ही हम इसको ओपन कर सकते हैं। स्कॉर्पियो केवल नाम नहीं है बल्कि एक इमोशन है। अभी अपने साथ में है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 जो कि ये इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। आइए आज के इस वीडियो में आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिना स्क्रिप्ट के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। स्कॉर्पियो जो है वाइट एंड ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। अभी अपने साथ में ये ब्लैक कलर में है भाई, अल्टीमेट लुक है एकदम दबंग वाला। आइए अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 4456 mm की, विड्थ है 1.82 मीटर की, हाइट है 1.995 मीटर की। इसमें व्हील बेस मिलता है 2498 mm का और इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है लगभग 210 mm का। सबसे पहले तो मैं आपको इस दबंग SUV की चाबी दिखाता हूँ। महिंद्रा कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करती है, ये देखिएगा महिंद्रा का लोगो है। यहाँ पर 3 फिजिकल बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प के लिए फ्लिप की मिलती है कुछ इस तरीके की, और इसमें वेप की दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। ये छल्ला तो भाई मिल जाता है महिंद्रा से ही, यानी कि शोरूम से ही। ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, आइए पास से दिखाता हूँ। सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिलता है। यहाँ पर ग्रिल देखिए क्रोम में दी गई है, कुछ इस तरीके का पैटर्न है। एंड बोनट पर यहाँ पर ये देखिए माचो लुक देने के लिए यहाँ पर ये क्रॉस वेंटिलेशन वाला डिज़ाइन दिया गया है। सेंटर में यहाँ पर एक वॉशर दिया गया है, फ्रंट विंडशील्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, वाइपर दिए गए हैं, एडजस्ट देखिए बोनट पर। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है, ये देखिएगा। इधर ये हैलोजन बल्ब है, इधर ये DRLs मिल जाते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर इधर मिलता है, नीचे की तरफ यहाँ पर भी LED DRL मिलते हैं, और नीचे की तरफ फॉग लैम्प भी इसमें दी गई है। फ्रंट रेडिएटर ग्रिल कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, फ्रंट बम्पर ये देखिए सेम पैटर्न इस साइड में भी दिया गया है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने डुअल वेस्पन बोन टाइप इंडिपेंडेंट फ्रंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। इस कार में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखिएगा सेंटर में महिंद्रा का लोगो, और फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। टायर की अगर बात की जाए सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। प्रोफाइल है 235/65R17 और टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। राइट साइड में इधर ये एमहॉक की बैजिंग है, साइड टर्न इंडिकेटर इधर ये दिया गया है, ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है ये देखिएगा। को ड्राइवर साइड डोर हैंडल, इधर ये स्कॉर्पियो की बैजिंग, ये फुटरेस्ट इसमें लगा हुआ है। इधर ये डुअल टोन इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बना रहा है, ये देखिएगा। रूफ रेल क्वार्टर ग्लास कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, ये रियर फेंडर, लेफ्ट साइड में फ्यूल लाइट दिया गया है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन एंड एंटी रोल बार लगाकर दिए हैं भाई। इसमें रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। एंड टायर प्रोफाइल सीएट कंपनी, टायर प्रोफाइल ये देखिए 235/65R17 एंड रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। स्कॉर्पियो में 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। राइट साइड से प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन ड्राइवर के लिए, एंड ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। राइट साइड में इधर ये साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है, स्कॉर्पियो की बैजिंग, फुटरेस्ट, एंड एक साइड में यूरिया डालने के लिए इधर ये एंटीना दिया गया है। ये है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दी गई है, रियर विंडशील्ड पर वाइपर डिफॉगर दिया गया है, और यहाँ पर ये स्पॉइलर दिया गया है जिसकी वजह से इसका लुक जो है और भी ज़्यादा मस्कुलर आ रहा है। सेंटर में महिंद्रा का नया वाला लोगो, पीछे यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है। टेल लाइट का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है स्कॉर्पियो का, ये देखिएगा। इधर ये स्कॉर्पियो को मेंशन किया गया है, LED टेल लाइट मिलती है। राइट साइड में इधर ये स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का बैच लगा हुआ है। रियर में यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, इधर ये रिफ्लेक्टर, टो हुक दिया गया है, चढ़ने के लिए कुछ इतनी व्यवस्था दी गई है, और इधर ये रियर बम्पर भी लगा हुआ है, ये देखो काफ़ी माचो लुक आ रहा है रियर से। आइए अब इसका इंटीरियर देखते हैं, कुछ इस तरीके का है ये देखिएगा।
इधर ये पियानो ब्लैक दिया गया है। इधर ये देखिए विंडो कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं ड्राइवर साइड में। इधर ये ग्रैब हैंडल, इधर ये कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। और भाई यहाँ पर रबर भी लगा कर दी है। एक स्पीकर इधर ये मिलता है, ये देखिएगा, हाइट एडजस्ट करने के लिए, रिक्लाइन करने के लिए। एंड यहाँ पर सीट कवर भी लगे हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सेंटर में महिंद्रा का लोगो है। ये लेफ्ट साइड ये देखिएगा मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ ये पियानो ब्लैक मिलता है, महिंद्रा का लोगो। मीटर की अगर बात की जाए तो ये देखो भाई, इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है। इधर ये राइट साइड में फील्ड कैप को ओपन करने के लिए, हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए, ORVM कंट्रोल करने के लिए। इधर ये AC वेंट दिया गया है। नीचे की तरफ ABC पैडल्स मिल जाते हैं। एक इधर ये डेड पैडल मिलता है रिलैक्स करने के लिए। इग्निशन इधर ये राइट साइड में दिया गया है। मैं चाबी को लगाता हूँ, इसका मीटर दिखाता हूँ पहले। तो इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है भाई। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। एंड ये देखिएगा बड़ी सी डिस्प्ले इसमें मिलती है जिसमें रियर कैमरा मिलता है। ये देखिएगा क्वालिटी भी इसकी ठीक लग रही है। सेंटर में यहाँ पर AC मिल जाता है और डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है, डोल टोन में दिया गया है। ये देखिएगा इधर ये स्कॉर्पियो का बैज मिल जाता है, ग्रैब हैंडल इधर ये मिलता है। एंड इस साइड में ये देखिए पावर विंडो बटन दिया गया है। एंड ग्लव बॉक्स ये रहा। इधर ये देखो सनशेड मिलता है, वैनिटी मिरर दिया गया है, सनग्लास होल्डर इसमें दिया गया है। यहाँ पर कोई भी लाइट वाला सिस्टम नहीं है, लाइट यहाँ पर दी गई है पीछे की तरफ, येलो वाली लाइट है। ग्रैब हैंडल कोट ओक दिया गया है। इधर ये ड्राइवर के लिए सनसेट दिया गया है, ORVM दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग के साथ में नहीं है, नॉर्मल वाला है, मैनुअल डिमिंग के साथ में है। ये रहे इसके फंक्शन। होम में चलते हैं, रिवर्स के रिवर्स लगाया भी भाई इसमें। ये देखिएगा गाड़ी मैंने न्यूट्रल में कर ली। और ये रहा इसका मल्टीमीडिया सिस्टम पूरा एंड्रॉयड वाला, ठीक है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती हैं। नेविगेशन मिलता है, जी हाँ नेविगेशन इसमें दिया गया है। और नीचे की तरफ यहाँ पर AC कंट्रोल बटन मिलते हैं, कुछ इतना स्पेस इसमें मिल जाता है। 12 वोल्ट का यहाँ पर ये सॉकेट दिया गया है चार्जिंग के लिए, कोई भी USB पोर्ट इधर नहीं दिया गया है। फोन ऑन रखने के लिए कुछ इतना स्पेस, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, हज़ार्ड लाइट। और यहाँ पर ये गियर लीवर दिया गया है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स है। फैन कंट्रोल करने के लिए, AC कंट्रोल करने के लिए कुछ इतना स्पेस इधर ये मिल जाता है, इधर ये स्पेस मिल जाता है। ये हैंड ब्रेक ये देखिएगा प्रॉपर, यहाँ पर ये आर्मरेस्ट दिए गए हैं। ड्राइवर वाली सीट पर बैठकर बोनट इसका पूरा दिखाई देता है, एकदम ज़बरदस्त लुक आता है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो भाई नो डाउट स्कॉर्पियो जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइए बाहर निकलते हैं, चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। फर्स्ट रो तो मैंने आपको पूरी दिखा दी, चलते हैं इसकी सेकंड रो में। ये देखिएगा इधर ये बोतल होल्डर दिया गया है और यहाँ पर ये होल्डर एक दिया गया है, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो बटन इधर दिया गया है, ग्रैब हैंडल। एंड इंटीरियर देखिए इसका, ये वाली सीट देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर ये दो AC वेंट दिए गए हैं, इधर ये कप होल्डर दिया गया है, सेम यहाँ पर भी पैटर्न। ये देखो भाई ग्रैब हैंडल काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ठीक ठाक इसमें स्पेस दिया गया है। ड्राइवर वाली सीट है पूरी की पूरी मैंने पीछे करके रखी हुई है। ये देखिए इसमें रियर में हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट इसमें नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें स्पेस दिया गया है। ये देखिएगा रियर कंफर्ट की अगर बात की जाए तो रियर वाली सीट भी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइए अब मैं आपको इसका टेलगेट ओपन करके दिखाता हूँ, देखते हैं वहाँ कितना स्पेस मिलता है। टेलगेट ओपन करते हैं, ये देखिएगा भाई यहाँ तो स्पेस ही स्पेस है, 460 लीटर का बूट स्पेस है भाई इसमें। सीट इसकी फोल्ड हो जाती है, 7-seater है ये प्रॉपर कार। ये देखिएगा इधर ये स्पीकर लगे हुए हैं, ये देखिए इधर से ये ओपन करने के लिए, इधर से ये ओपन करने के लिए पुल टैब दिए गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक आता है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, जी हाँ इसके इंजन की।
और स्कॉर्पियो क्लासिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम मिलता है। ये देखना, एक हाथ से ही हम इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं इसके इंजन की और सेफ्टी की। अगर बात की जाए तो बोनट ओपन होते ही इसके हज़ार लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। इंजन की अगर बात की जाए तो भाई कंपनी ने इसमें डीजल इंजन दिया है 2.2 लीटर का। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो 2184 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। इसकी मैक्सिमम पावर है 130 bhp की 3750 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर का, 1600 rpm से लेकर 2800 rpm तक। ये इसका इंजन चालू हो गया। इंजन साउंड सुनो भाई, अल्टीमेट है। और इसमें एमरॉन की बैटरी ऑफर की गई है। आइए अब इसको बंद कर लेते हैं। ये है इसकी अल्टीमेट चीज़। कीमत की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियो क्लासिक एस की प्राइस स्टार्ट हो जाती है 13,59,000 रुपये से। ये इसका ऊपर वाला वेरिएंट है, सबसे टॉप वाला। इसकी एक्सोरूम प्राइस है 17,35,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये पड़ेगी लगभग 20,20,000 रुपये की। और जो क्लासिक एस 9 सीटर आती है उसकी एक्सोरूम प्राइस है 13,84,000 रुपये। क्लासिक एस 11 जो आती है उसकी प्राइस है 13,35,000 रुपये। यानी कि एस 11 और एस 11 7 सीसी एक ही प्राइस है इन दोनों की।